क्लिक करते रहेंगे। हाँ मैं करूँ, मैं करेगा, एक मिनट सर। स्माइल करो, ये एक्सप्रेशन आती है वो इसके साथ नहीं जा रहा। वेट वेट वेट, छोटी ऐसे करेंगे नीचे के मुंह को, उससे वाला जैसा अपना नॉर्मल रहता है डायरी का। स्पिन कर दो, हाँ स्पिन कर दो, तो वो कैसे हो आने वाली वीडियो में सही वो ही वाला ना, वो खट खट वाला नहीं। हाँ इसको नीचे रख लो ऐसे ऐसे करके, पैसा तो अभी ना साड़ी का जो पल्लू है ना प्रोफाइल लुक लुक इधर चाहिए, लुक ये कैमरा में के सामने आने वाले, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार होने वाला है आपका? सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा पहला डेली सोप रहेगा एंड नज़र सीरियल में मैं एक नेगेटिव किरदार करने जा रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम है। एंड मेरे किरदार का नाम है मोहना और ये एक डायन का किरदार है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायन है ये। इसकी नज़र बहुत काली है, इसके पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो, और वो सारे पावर्स इसकी चोटी में होती है और ये चोटी कुछ भी कर सकती है, मतलब ये कहीं से भी गुजर रही होती है तो फ्लावर्स जल जाते हैं, यू नो धरती फट जाती है। एंड जब लोग भी इससे मिलती है तो लोगों को पता नहीं होता है कि ये डायन है, क्योंकि ये ऐसे गेटअप में होती है और मतलब ये बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी होती है। फिर जब उनको पता चलता है कि ये डायन है तब बहुत लेट हो चुका होता है, मतलब ये अपना सारा यू नो विनाश कर चुकी होती है, तो बहुत ही एक खतरनाक खलनायिका होती है ये। तो आपने दो रियलिटी शोज किए हैं जो बिग बॉस है, आज ये डेली शो में आने वाले, तो ये रोल कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हाँ मतलब आजकल सबको पता है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री, सो टेलीविज़न में आना हर कोई चाहते हैं, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आजकल टेलीविज़न में अक्सर आते रहते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक बड़ी बात थी, बिग ब्रेक है कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, वो भी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, इतने बड़े चैनल पे, मतलब स्टार प्लस में, एंड और वो भी इतना अच्छा किरदार लेके। सो मेरे लिए चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली था, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मान रही हूँ कि मुझे ऐसा करने को मौका मिल रहा है। लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी चोटी हम देख रहे हैं पोस्टर में, तो उसको ऑन सेट कितना संभालना पड़ा और कितना टाइम लगा, उस बारे में कुछ बताएंगे? मैं मेरा जो डायन का जो ये लुक है, ये इसकी बहुत लंबी चोटी होती है और इसके बड़े बड़े नाखून होते हैं और इसके पैर भी उल्टे होते हैं, तो जब मैं रेडी होती हूँ तो एटलीस्ट 4 hours आई टेक टू गेट रेडी, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं डायन वाले मतलब भयानक लुक में आती हूँ, मैं ऐसे लुक में ही रहती हूँ और जो मतलब सुंदर दिखे, हैपनिंग दिखे, तो यही है। मैं रीजनल जोन में भी बहुत ही जब मैं रीजनल में भी करती थी बहुत अच्छा काम किया है मैंने, मैं बहुत ही खुश हूँ उस लाइफ से भी, बट हर कोई चाहते हैं कि मतलब इसके आगे क्या, तो वैसा ही मेरे लाइफ में एक ये टर्निंग पॉइंट आया जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई थिंक हर कोई ऐसा चाहते होंगे। जैसे कि ये शो नेचुरल पावर्स पे बेस है, तो शूटिंग के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंट जो हुआ है आपके साथ? शूटिंग में तो मैं बहुत सारे स्टंट्स कर रही हूँ बहुत, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है एंड काफ़ी मॉडर्न है, और
तो मॉडर्न वे में शूट किया जा रहा है. इट्स लाइक मतलब बॉम्बे में ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो गांव में होता है उस टाइप की चुड़ैल है या ऐसा डायन है, वैसा नहीं है. सो ऑन सेट जब भी मैं स्टंट्स करती हूँ तो मुझे मज़ा आता है, वो भी मैं पहली बार कर रही हूँ. जब मेरे को फ़ोन आया था, जब कॉल आया था, तब तो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि सच में ऐसा हुआ क्या. मतलब हाँ अच्छा ठीक है ओके ब्रीद ब्रीद मतलब टेक इट ईजी एंड फिर देखते हैं आगे क्या होता है. मतलब जब तक डन नहीं होते हैं तब तक टेंशन था, फिर डन होने की वजह से तो शूट स्टार्ट नहीं हो तो टेंशन, फिर उसके बाद अभी यही टेंशन कब मेरा ऑन एयर हो. सो ऐसा रिएक्शन हमेशा रहा. जैसे हमने देखा कि आप रीजनल सिनेमा से आई हैं, तो अब जब आपने सीरियल्स में एंट्री कर लिया तो क्या आप फिर से रीजनल सिनेमा करने जाएंगी या फिर आप फुल फ्लेजेडली अब सीरियल? अब तो फिलहाल तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मतलब मैं इसी में टोटल फोकस है. बट ऐसा नहीं है मेरे पास, अगर जैसे ये इन्फिनिट सीरीज़ है तो इसके बाद जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं. हाँ ये तो जग जाहिर है, डेफिनेटली ऐसा तो हुआ ही है, सबको पता है. इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. लास्टली लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं लुक तो मेरा है ही खतरनाक, आप देख सकते हो ऐसे टफ लुक्स हमेशा ही मेरा होता है, उसके लिए मुझे गेटअप भी लेना होता है. बट लुक्स एंड ऑल सारी चीज़ें जब आप देखोगे, जब टेलीकास्ट होगा तब देख पाओगे, वो जब पावर्स यूज़ करती है तब कितना ख़तरनाक होती है उसकी काली नज़र, जिस पे भी पड़ जाए वो ख़तरनाक. बिग बॉस 12 भी आने वाला है, कितने एक्साइटेड है? मैं तो हमेशा ही बताई हूँ, मैं बिग बॉस की बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ हमेशा ही, मुझे अच्छा लगता है. मैं उसका पार्ट थी, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी. सो डेफिनेटली एवरी वन इज़ एक्साइटेड. बिल्कुल, मैं अभी रोज़ योगा करती हूँ रोज़, और मतलब खाने में भी डेफिनेटली मैं कंट्रोल करती हूँ. तो फिट रहना तो है ही, फिट के साथ साथ ऐसा भी होता है कि जब आप योगा करते हो तो आपको मेंटल स्ट्रेस से भी आप दूर रहते हो और बहुत पीस मिलता है. सो सारी चीज़ें इट्स वर्किंग. दर्शकों को तो यही बोलूँगी कि ये मेरा पहला है, पहला डेली सोप है. सो आप लोग प्लीज़ देखिए, और 30 जुलाई से ये ऑन एयर होने वाला है रात के 11 बजे स्टार प्लस में, मंडे टू फ्राइडे. एंड सच में ये डायन बहुत ख़तरनाक है, सो डायन की नज़र से बच के रहना. थैंक यू. और कैसे बेस्ट ऑफ लक मैम. थैंक यू. विजुअल्स ले लेते हैं, एक छोटी सी वी कैन डू द Thank you.